Hello new friends, I hope you guys are doing well. Welcome back to another video and as you guys can already guess from the title of the video, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सब्जेक्ट्स शेयर करूंगी जो कि रूटीन के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश मैथ उर्दू इनसे हट के हैं ठीक है. What are these subjects? Picture study है which is like artists को study करना है, nature है, then history and geography. ये चार सब्जेक्ट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. And let me tell you guys कि इन सब्जेक्ट्स की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आई नो हमारे कल्चर में इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती लेकिन आप जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो देख रहे हैं उनमें आप अगर उनका एजुकेशन सिस्टम देखें उनकी अर्ली ईयर्स में किस तरह से उनको नेचर के थ्रू सिखाई जाती हैं चीज़ें, देन यू वुड नो why are they acing it, why are they हमसे आगे क्यों है. ये शुरू से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, बचपन से ही आपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है. अच्छा, नेचर को स्टडी करने से, आर्टिस्ट को स्टडी करने से क्रिएटिव पार्ट जो है बच्चे के ब्रेन का वो खुल जाता है. तो वो जब वो एक्टिव हो जाता है तो व्हाट हैपन इज कि बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिकली ईजिली उनको अंडरस्टैंड करता है एंड देन ही इन्जॉयज़ दैम. सो प्लीज़ इस वीडियो को आज आप लोग थोड़ा सा सीरियस लें. मैंने जो किंडरगार्टन करिकुलम है ब्लॉसम एंड रूट का, ये उसके जो पूरी गाइड है वो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूँगी एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, सो आवर वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ पिक्चर स्टडी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस. सो व्हाट इज़ पिक्चर स्टडी? इसमें नाम से आप अंदाज़ा लगा लें कि पिक्चर्स को स्टडी करना है. अब आप सोच रहे हैं इतना छोटा बच्चा पिक्चर्स को कैसे स्टडी करेगा, तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स. ये जो सब्जेक्ट हैं एंड जो उसमें करवाया जाएगा वो बिल्कुल बच्चे के लेवल के हिसाब से करवाया जाएगा. एंड आप ये लिख लें कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ नहीं होंगी. ये इतनी शॉर्ट हैं लेकिन इससे बच्चे की इतनी ज़्यादा लर्निंग होगी ऑलरेडी एंड देन वो तैयार हो जाएगा आगे फ्यूचर में जब वो इनको इन डिटेल जब रिसर्च करेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, तो एक ऑलरेडी आपने इस एज में उसको एक स्पार्क सा दे दिया है इन सब्जेक्ट्स का, तो इंशाल्लाह ही इज़ गोना एस इट. बट एनी वेज, सो इसमें होगा ये कि हम मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट को बच्चा जो है वो उनकी बच्चों को उनकी पेंटिंग्स दिखाई जाएंगी. और ये कौन से आर्टिस्ट हैं जो इन्होंने चूज़ किए हैं इस करिकुलम में? दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दी नोन आर्टिस्ट, जो दुनिया के जाने माने मरूफ आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स को जो है वो स्टडी किया जाएगा बच्चे के लेवल के हिसाब से. अगेन, सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे पहला हमारा जो आर्टिस्ट है वो है क्लॉड मोने. ये उसकी कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, ये तकरीबन 8 पेंटिंग्स हैं एंड देन ये 8 हफ्ते चलेंगी. इसका क्या मतलब है कि हर हफ्ते एक पेंटिंग होगी. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक पेंटिंग है क्लॉड मोने की, इसके पीछे मैंने उसका टाइटल जो उसका नाम है पेंटिंग का वो भी लिख दिया क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तो नहीं याद है, मैंने तो कभी भी नहीं पढ़े आर्टिस्ट हमारे यहाँ कहाँ हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो मैं तो खुद याया के साथ साथ आई एम ऑल्सो लर्निंग. सो इसका नाम है इम्प्रेशन सनराइज. तो ये वो पेंटिंग है. अच्छा, अब इसको करना है कि हर एक हफ्ते में आपने एक पेंटिंग चूज़ कर ली, ठीक है. अब आपने क्या करना है, इसको हम बेसिकली 3 सेशंस, टोटल हफ्ते में 3 सेशंस होंगे. सो फॉर एग्जांपल आप पहला सेशन जो है वो मंडे चूज़ कर लें, ठीक है. मंडे से वीक स्टार्ट होता है तो लेट्स स्टार्ट विद मंडे. तो अब मंडे को आपने क्या करना है, सेशन 1, इसमें केयरफुल ऑब्जर्वेशन. तो जी आपने पहली पेंटिंग आपने बच्चों को दिखानी है और अब ये याद रखिए कि पेंटिंग का नाम आपने बच्चों को शुरू में फ़ौरन से नहीं बताना है क्योंकि हमारा मकसद जो है बच्चे को एक फ्रेश माइंड के साथ पेंटिंग को ऑब्ज़र्व करना है बगैर किसी प्री कॉन्सेप्शंस के. क्योंकि कभी कभी होता है कि पेंटिंग का जो टाइटल है वो एक क्लू सा दे देता है कि पेंटिंग किस बारे में है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने टाइटल नहीं देना, हमने सिर्फ बच्चों को पेंटिंग सामने उसकी रखनी है एंड देन आप भी उसके साथ देखिए, वो भी देखिए. एंड आई थिंक बच्चे 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं देखते, मतलब इस एज में किंडरगार्टन एज में 5 ईयर्स का या 6 ईयर्स का बच्चा है तो उसकी इतनी ही अटेंशन स्पैन होती है. आयो को तो ये भी समझ नहीं आई थी कि ये सन है कि क्या है, उनसे पूछा था कि ये क्या चीज़ है, फिर उसने मुझसे ये पूछा कि ये जो ऑरेंज नीचे जो आ रहा है सन के जो रिफ्लेक्शन ये जो पानी में ये क्या चीज़ है, ही कुडंट अंडरस्टैंड बट ही वॉज आस्किंग, सो दैट्स गुड. सो ही इज़ ऑलरेडी लर्निंग, इज ऑब्जर्विंग.
बस सिंपल सा ये पहला सेशन है. अब अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम टू एक्सप्रेस. अगर कोई बात करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको पेंटिंग में, तो इज़ वेलकम. लेकिन अगर वो साइलेंटली खामोशी से उसको ऑब्जर्व करना चाहता है तो भी कोई मसला नहीं है, इट्स टोटली फाइन. फिर आपने ये करना है कि अब बच्चे ने चंद मिनट देख लिया, तब आपने बच्चे से ले लेनी है और आपने फिर इसको किसी ऐसी जगह पर कहीं डिस्प्ले पर रख दें जहाँ आज या पूरा दिन किसी टाइम पर वो उसको देखता रहे. अगले दिन भी ट्यूजडे को भी चल फिर रहा है तो ही विल यू नो जस्ट स्टॉप बाय एंड मे बी लुक एट इट और मे बी ही वॉन्ट लुक एट इट. लेकिन यह कि आप इसको कहीं डिस्प्ले पर रख दें. यही अब इसे नॉर्मली नहीं देखता, एटलीस्ट मेरे सामने नहीं दिखता. हो सकता है जब मैं इधर उधर हूँ तो उसकी नज़र पड़ जाती होगी, वो एक नज़र उसको मारता होगा, दैन ही विल जस्ट यू नो वॉक अवे. बट आपने किसी ऐसी जगह डिस्प्ले पर रखना है जहाँ बच्चे को नज़र आ रहा है, जहाँ उसकी सॉर्ट ऑफ एक्सेस है. सो ये सेशन वन हो गया. अब आप वेंसडे चूज करें. मंडे को फर्स्ट सेशन किया, वेंसडे को आप सेकेंड सेशन करें. सेकेंड सेशन में क्या करना है, दोबारा से आपने बच्चों को पेंटिंग देनी है. चंद मिनट आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करने दें. अच्छा, अगर आपने प्रिंट नहीं किया हुआ ना, लेट मी जस्ट टेल यू वन पॉइंट, अगर आपने प्रिंट नहीं किया हुआ तो आप इसको लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं. आपको मैंने नाम बता दिया, इंप्रेशन सनराइज है. पहली पेंटिंग का क्लॉड मोने की, ये सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी एंड देन यहाँ पे स्क्रीन पे मैं साथ साथ लिखती जाऊँगी. अगर आपको नाम समझ नहीं आ रहा तो यू कैन जस्ट कॉपी दैट फ्रॉम देयर. तो सेकेंड सेक्शन में आपने क्या करना है, दोबारा से देना है बच्चे को. चंद मिनट के लिए आप उसको देखने दें. अब फिर आपने क्या करना है, आपने पेंटिंग उससे लेके आपने उसको छुपा देना है एंड देन आपने बच्चे से पूछना है कि उसको उस पेंटिंग के बारे में जो जो चीज़ें याद हैं वो आपको बताएं. अगर उसको कोई कलर्स याद हैं, कोई शेप्स याद हैं, कोई फिगर्स, कोई बिल्डिंग्स, यू नो कुछ भी उसको याद है तो वो आपको बताए. सो इस एक्सरसाइज का बेसिकली एक छोटा सा मकसद है, वो ये कि बच्चा डिटेल्स नोटिस करना शुरू कर दे और चीज़ें जो इम्प्रेशन छोड़ी हैं उसके दिल पे, उसके दिमाग पे, उन्हें वो लफ्ज़ों में, वर्ड्स में आप उसको बताना आए. इसका मकसद मेमोरी टेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है. हमारे पहले ही बहुत मेमोरी टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम में, पर इसमें ऐसा कोई मकसद नहीं है. इसमें जो है आपने सिर्फ बच्चे को एक चांस देना है कि जो जो उसको याद है वो आपको बताएगा. वो डिटेल्स नोटिस करने की जो है सॉर्ट ऑफ एक स्किल जो है वो बच्चे में अभी से डेवलप होना शुरू हो जाएगी. सो जब वो बता दें तो फिर आप एक दफ़ा आखिर में फिर से उसको दिखा दें एंड देन रिमाइंड देम. सो पेंटिंग फिर से आप ले लें एंड देन फिर अगेन उसको किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ डिस्प्ले पर रख दें जहाँ बच्चे की अगेन एक्सेस हो. ओके जी, सो फाइनली सेशन 3 में होगी कोई अब एक्टिविटी. ये ऑब्जर्व, अब आपने देखा कि ऑब्जर्वेशन वाला कितना, मतलब हार्डली आई थिंक 5 मिनट्स, अगर मैं आपको सही बताऊँ ना तो क्या लिखा तो होता है 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, लेकिन इट रियली डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड. अगर बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आपका तो आप यू कैन टेक इट लाइक 15 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, यू नो हाउ एवर लॉन्ग यू वांट. लेकिन मेरा नहीं ख्याल बच्चे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस एज में, पर 5 मिनट्स इज़ ऑल्सो टोटली फाइन. तो आप सोचिए, मंडे को आपने 5 मिनट दिए एंड वेंसडे को भी आपने सिर्फ 5 मिनट्स दिए, दैट्स इट. अब थर्ड सेशन जो है एक्टिविटी, ये थोड़ा एक्टिविटी है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगेन एक्टिविटीज तो बच्चों को वैसे ही अच्छी लगती है. दे डोंट माइंड पेंटिंग, दे लव डूइंग ऑल दोज थिंग्स. तो सेशन 3 में ये होने, इसको हम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कहेंगे. पहले पिक्चर स्टडी थी, पिक्चर्स को स्टडी किया, अब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इसी पेंटिंग के ऊपर कोई एक्टिविटी होगी. तो मैं आपको पहली एक्टिविटी इसकी थोड़ी सी बता देती हूँ. डिटेल में मुझे पूरी पेंटिंग्स पे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिस तरह से मैंने पहले फ्रीदा कालो की पेंटिंग्स हैं उस पर जो मुझे अच्छी लगी थी एक्टिविटीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई थी. तो इसमें क्योंकि ये सनराइज़ है तो इस पर एक्टिविटी ये है कि आपने बच्चे को 2 पेपर्स देने हैं एंड देन एक पेपर के लिए आपने सबसे पहले उसको येलो, ऑरेंज और रेड कलर देना है एंड दूसरे पेपर के लिए आपने पर्पल, ब्लू और ऑरेंज, ये 3 कलर्स देने हैं एंड देन बच्चा उसको मिक्स करके हाउएवर ही वांट उसने क्या बनाना है, 2 सनसेट्स बनाने हैं उन डिफरेंट. पहले आप पहला कंप्लीट करें देन आप उसको दूसरा दें, दूसरा कंप्लीट करें देन उनको साथ रख के इज जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व इट. अगेन डिटेल्स इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में, बट यू अंडरस्टैंड लाइक how cool that is, like this is his inspiration sort of, ये painting and then उसके बाद वो जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं, जितना टाइम लेना चाहते हैं, 2 मिनट में पेंटिंग ख़त्म कर लेते हैं कोई मसला नहीं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं कोई मसला नहीं. आपने बार बार उसके पास बैठ के उसको टोकना नहीं है कि नहीं इसको ऐसे करो, ऐसे राउंड बनाओ, ऐसे टेढ़ा मत बनाओ. आपने सिर्फ उसको एक आइडिया देना है उसके दिमाग में, उसकी मर्ज़ी फिर वो जो मर्ज़ी करे, दिस इज़ द मेन आइडिया. ठीक है, so that's all that was for picture study and artistic expression. Okay, so now let's move on to another next subject which is history and geography. In dono ko basically saath saath leke chalna hai, lekin main aapko pehle thoda separately bhi bata deti hu kyunki I know you guys must be thinking itne chote bacche ko history kaise padhayenge, geography abhi se. Lekin jab main aapko inki details bataungi na to aap logo ko hansi aayegi aur aap log bilkul relax and easy ho jayenge and then aap log bade confident ho jayenge ki yaar ye to hum bhi karwa sakte hain, sir to hamara bachcha bhi history padh sakta hai. To aapne उस पर बिल्कुल परेशानी होना है, लेट मी जस्ट टेल यू गाइस हाउ इट इज़. सो हिस्ट्री में सबसे पहले आपने हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो बच्चे को देना है ना, वो किस तरह से देना है, उसकी अपनी हिस्ट्री से. जी,
बाहर की हिस्ट्री में हम बाद में आएंगे. सबसे पहले बच्चों को पता तो चले कि ये हिस्ट्री होता क्या है, लाइक व्हाट इज दिस वर्ड हिस्ट्री. तो वो आपने बच्चे की अपनी हिस्ट्री बतानी है. अपनी हिस्ट्री में क्या है, इट्स जस्ट सो सिंपल. सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है ना, आपने बच्चे की जो सारी बेबी फोटोज़ हैं, अगर आपके पास वो छोटा था बेबी था, उसकी कोई वीडियोज़ हैं आपके पास, तो आपने डिफरेंट जगहों पर फैली होंगी. ज़ाहिर है इतना टाइम हो चुका होगा आप लोगों के पास, सामने तो कहीं नहीं होंगी. मेरे पास खुद नहीं है, मेरी याया की बहुत ज़्यादा जो सारी वीडियोज़ थी वो सारी स्वीडन में, ऑब्वियसली ही वॉज़ बॉर्न इन स्वीडन, तो वो सारी अभी हमारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी पड़ी हुई है, तो वहाँ ही हार्ड डिस्क में सारी पड़ी हुई है. लेकिन मुझे कहीं फेसबुक से, कोई हस्बैंड के मोबाइल से कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी बेबी फोटोज़. तो आई एम गोइंग टू कलेक्ट ऑल दीज, मैंने अभी तक की नहीं है. इन सबको कलेक्ट करना है एंड देन आपने एक जगह इसको लैपटॉप में एक फोल्डर बनाए, उसमें सारी साइड डाल दी, क्योंकि फिर ये साथ साथ अब एक्सप्लोर करेंगे. अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर लें, साथ साथ जो एक्टिविटीज़ आएंगी उसमें फिर प्रिंटिंग का भी शायद ऑप्शन हो. अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो देर आर अदर ऑप्शन दैट यू कैन डू विच आई विल शो यू अगेन इन अ वाइल. आपने बेसिकली फिर बच्चे के साथ विद टाइम वीकली एक्टिविटीज़ जो है उसमें आपने बच्चे के साथ उसकी बेबी फोटोज शेयर करनी है, आपने उसके साथ मूवीज कोई है उसकी वीडियोज़ हैं आपने वो शेयर करनी है, आपने उसको बताना है कि वो कहाँ पर पैदा हुआ था. इस तरह आप फिर जियोग्राफीज़ में आ जाएगा, आपने उसको मैप पर दिखाना है कि मैप पे विच इज़ द कंट्री दैट ही वॉज बॉर्न इन. दिस इज़ हाउ यू गेट टू दी हिस्ट्री एंड देन ब्लॉसम एंड रूप वालों ने एक नोटबुक सी दी हुई है, ये पीडीएफ फाइल में आती है. मैंने अभी रिसेंटली ही ये प्रिंट एंड बाइंड करवा ली थी. मैं आप लोगों के साथ ये पीडीएफ फाइल तो शेयर नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑब्वियसली कॉपीराइट्स वाले इशू हैं एंड देन आपको ख़रीदनी पड़ेगी. मैं लिंक अगेन नीचे में से शेयर कर दूँगी, अगर एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग, विच आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड बाई दिस इफ़ यू वॉन्ट. लेकिन अगर फॉर सम रीज़न यू कैंट, तो मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह. तो इसमें इस तरह के ये पेजेस हैं, अगर आप देखें मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ. ये ऐसे पेजेस हैं जो आप इजीली ख़ुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है. दोज ऑफ यू हु कैंट अफोर्ड टू बाय दिस एंड प्रिंट दिस, यू कैन जस्ट गेट सम A4 साइज पेपर्स एंड उसके ऊपर आप लिख लें एंड ये बॉक्सेस एंड लाइंस बना लें, नो बिग डील. फर्स्ट फ्यू वीक्स में फिर बच्चा अगेन अपनी हिस्ट्री करेगा एंड देन द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ द ईयर, बेसिकली पूरा साल का सॉर्ट ऑफ है ना. तो पहले सेमेस्टर में आप कह लें कि बच्चे की अपनी हिस्ट्री होगी एंड देन द सेकेंड सेमेस्टर उसमें फिर आप बच्चे को लोकल हीरोज़, यानी कि आपके मुल्क के जो हैं इस्लामिक हिस्ट्री में जो रह चुके हैं, फिर वो वर्ल्ड हीरोज़ आ जाएंगे. तो तीन लोकल हीरोज़ स्टडी करनी है बच्चे ने एंड देन तीन वर्ल्ड हीरोज़, जिसमें इंशाल्लाह मेरा प्लान है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी हम ऐड करेंगे. अच्छा, इसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं टू मेक इट मोर फन, आप डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हैं बच्चों को, यूट्यूब वीडियोज़ कोई हैं वो देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स कोई सीरीज़ हैं बच्चों की तो आप वो देख सकते हैं. मैंने बाय द वे खुद अभी कोई रिसर्च नहीं की इस पर, जब टाइम आएगा साथ साथ तो फिर आई विल डू इट, क्योंकि इट्स जस्ट अलॉट. और जो जो मैं खुद करती रहूँगी, मुझे कोई मज़े की मिल रही होंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी ही. तो लेट मी शो यू गाइस के इसके अंदर क्या है एंड आई विल एक्सप्लेन यू अ बिट कि कैसे वीकली हिस्ट्री जियोग्राफी को इन्होंने प्लान किया हुआ है. ओके, सो दिस इज़ दी माय हिस्ट्री एंड जियोग्राफी नोटबुक. लेट मी शो यू गाइस ये किस तरह से बनाई थी, आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए. एंड अगर आप खुद ऑब्वियसली A4 साइज पेपर लेके करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट याहिया नबीद ऑब्वियसली. देन वीक वन, एज यू कैन सी वीक वन में क्या है, दी हिस्ट्री ऑफ मी. दिस इज़ मी, यहाँ पे बच्चा अपनी पिक्चर लगा गया और इवन ही कैन लाइक ड्रॉ इट, पर आई गेस पिक्चर लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है. देन माई नेम इज़ यहाँ पे अपना नेम लिखिए, हाउ आई गॉट माई नेम. अच्छा, यहाँ पे अगर लिखने वाले बच्चे हैं ना तो देखें आप उनको स्टोरी जो भी बताएंगे कि उसका नाम किस तरह से था, ये उसकी हिस्ट्री है कि किसने नाम रखा था, क्यों रखा था, किस वजह से रखा था, तो वो सब चीज़ें या तो बच्चा अगर लिखने वाला है तो वो खुद लिख ले, नहीं लिख सकता तो लेट हिम डिक्टेट इट यू. जब आप उसको स्टोरी सुनाएंगे देन उसी के वर्ड्स में बच्चे को मामा ने या बाबा ने वो फिर आप यहाँ पे लिख लें एग्जैक्टली द वे ही एक्सप्लेन इट टू यू. देन आई वॉज बॉर्न ऑन एंड देन आई वॉज बॉर्न इन देन हेयर आई एम अ ब्रैंड न्यू पर्सन. अभी उसकी जो करंट पिक्चर है आई गेस आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं. ये हर वीक को किस तरह से करना है, वीक टू है ना, ये उसकी सारी डिटेल सेपरेटली है. तो इंशाल्लाह जब मैं वीडियोस बनाऊंगी तो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी किस तरह से. देन अ स्टोरी अबाउट मी व्हेन आई वाज अ बेबी, यहाँ पे फिर आप अपनी स्टोरी, कोई फनी स्टोरी है. बच्चों को अपनी स्टोरीज ना बड़े शौक से बच्चे सुनते हैं, बड़ा इन्जॉय करते हैं अपनी बेबी स्टोरीज. तो दिस विल ऑल्सो बी अगेन ए वेरी ब्यूटीफुल टाइम. पहले जो 5 हफ्ते हैं उसमें आप बड़ा इन्जॉय करेंगे बच्चे के साथ, खुद भी बच्चा भी इन्जॉय करेगा. हेयर इज़ वट हैपेंड, यहाँ पे अगेन मोर डिटेल्स लाइन में लिखने वाली. देन Some things that were going on in the world when I was a baby.
कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हुई हो उस साल, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो बच्चे पैदा हुए थे उनका तो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा कोरोना वायरस वाला, तो देखिए नेक पर पिक्चर ऑफ अ कोरोना वायरस की यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से तीन चीज़ें जो उस दुनिया में उस टाइप पर हो रही थी। देन नेक्स्ट क्या है जी, द मूवी दैट केम आउट व्हेन आई वाज बेबी, इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस यू कैन डू इट, इफ यू आर नॉट जस्ट लीव इट। देन अ सॉन्ग दैट वाज पॉपुलर व्हेन आई वाज बेबी, अगेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सो वी माइट स्किप दिस। देन द पीपल इन माई फैमिली आर एंड दिस इज माई फैमिली। अब बच्चा खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं या पिक्चर भी लगा सकते हैं। आई गेस आई वुड प्रेफर याहिया टू ड्रॉ पिक्चर्स, यू नो किड्स दे लव ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिली। इस तरह से ये हो गया हिस्ट्री ऑफ मी। अब मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ द हिस्ट्री वर्ल्ड हीरोज की जो हिस्ट्री है। सी लाइक ग्लू कॉपी ऑफ अ मैप हियर, ये ज्योग्राफी आ गया ना, अब यहाँ पे मैप की कॉपी लगाएं। दिस इज अ मैप ऑफ द स्टेट टेरिटरी प्रोविंस रीजन वेयर आई लिव एंड ड्रॉ एन एक्स ऑन द मैप वेयर यू लिव। ये सारे मैप के अब यहाँ पे प्रिंट्स करेंगे। दिस इज अ मैप ऑफ द कंट्री वेयर आई लिव, कंट्री का मैप यहाँ पे आ गया। Then this is what my country's flag look like. See, you can print. There are some things that make my country special. आपका country किस वजह से special है? चार चीज़ें फिर आप draw करें या paste करें। अब जी ये local heroes शुरू हो गए हैं यहाँ पे, and ये सारा आगे से same ही है next pages. Their name is या was, क्या नाम था उनका? What did this hero do that was important? Here is one great thing they did. ठीक है यहाँ पे, yeah it's the same thing, local heroes की, local heroes again. तीन लोकल हीरोज थे ना। देन नेक्स्ट थ्री वर्ल्ड हीरोज, सेम वही चीज़ें जो पहले लिखी थी, देयर नेम, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ की एंड ऑल। या सो इस तरह से ये सारा यहाँ पे आ गया। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय। सो अगेन ये वीक 36 पे आ चुकी है। अब इसमें क्या करना है, क्या है वो सारी डिटेल्स सेपरेटली ब्लॉसम एंड रूट में, जेन्युइन आई विल बी डूइंग दैट इंशाल्लाह। आई विल कीप शेयरिंग विद यू द डिटेल्स कि किस तरह से आपने ये वाला वीक 36 फिल करना है। ठीक है, या सो दिस वाज हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। नेक्स्ट वी हैव अ जियोग्राफी। इन जियोग्राफी में अगेन वही अप्रोच यूज की जाएगी, इनसाइड आउट। इनसाइड मतलब अपनी जियोग्राफी, अपनी जियोग्राफी में क्या है, आपके मामा पापा कहाँ पैदा हुए, आप वो मैप पे दिखाएं, आप खुद कहाँ पैदा हुए, जो आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं, जो आप हीरोज़ पढ़ रहे हैं उनको मैप पे आप उसको दिखाएं, फ्रॉम वेयर डू दे बिलोंग, एंड देन फिर आप भी प्रेजेंटली कहाँ पे आप रह रहे हैं, किस मुल्क में आप रह रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं सब पाकिस्तान में रह रहे, कोई सऊदीया में रह रहा होगा, कोई अमेरिका में रह रहा होगा, उसका दिखाएं कि दिस इज़ अपने घर से बेडरूम से शुरू करें, एंड देन कंट्री एंड देन उसका फ्लैग। दिस इज़ रियली गोना शो दैट। आप एक मैप का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, देन उस पर फिर आप उसको कहीं वॉल पर लगा के आप उस पर पिन कर सकते हैं द प्लेसेस, छोटे छोटे नोट्स बना दें कि यहाँ पे आप पैदा हुए थे, आपकी मामा यहाँ पे पैदा हुई थी पाकिस्तान में, आप स्वीडन में पैदा हुए थे, आपकी खाला सऊदीया में थी पैदा थी, इस तरह की चीज़ें। फिर जो हीरोज़ हैं उनके भी आप पिन पॉइंट कर सकते हैं फ्रॉम हियर दे आर। एंड जस्ट डोंट वरी about the child memorizing these places or like fully grasping the concept of these locations. ये चीज़ आपने करनी नहीं है, इसका मकसद ये है ही नहीं। आपने उसको सिर्फ एक अवेयरनेस देनी है कि दुनिया में लोग मुख्तलिफ प्लेसेस से आते हैं, एंड देन ये प्लेसेस आप मैप पे या ग्लोब पे यू कैन लाइक आप देख सकते हैं उस पर। ओके सो आवर वेरी लास्ट सब्जेक्ट इज ए नेचर, नेचर को स्टडी करना है। दिस इज़ माई फेवरेट सो फार, अभी तक नेचर हमने लास्ट ईयर भी प्री स्कूल में भी नेचर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी, एंड देन इस साल भी इंशाल्लाह करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। सो अब नेचर क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे भाई नेचर में नेचर क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो जिस तरह से आर्टिस्ट स्टडी को हमने तीन सेशन में किया था ना, इसी तरह नेचर स्टडी को भी थ्री स्टेप्स में करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जस्ट टेल यू गाइज यू नो स्टेप बाई स्टेप, सो यू गाइज कैन जस्ट नोटिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। सो स्टेप नंबर वन इज़ गिविंग देम इंस्पिरेशन। आप सोच रहे हैं यार मैं क्या इंस्पिरेशन दूँ, मुझे तो खुद भी कुछ नहीं पता, तो ये काम आपके लिए आसान कर दिए, दो बुक्स उन्होंने सजेस्ट की हैं। नाउ अगेन स्टॉप, डोंट वरी कि ये बुक्स हम कहाँ से लेंगे, अभी तो होंगी नहीं यहाँ पे, और वाकई ना पाकिस्तान में होनी है ये बुक्स, ना ये सऊदीया में होनी है, और मेरे पास भी ये बुक्स नहीं है। तो ये दो बुक्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ द बर्जेस एनिमल बुक फॉर चिल्ड्रन बाई थॉर्नटन डब्ल्यू बर्जेस, एंड दूसरी बुक है सी बेबीज बाई मार्गरेट वार्नर। मैं नीचे लिंक में भी शेयर कर दूँगी आपको। बेसिकली मैंने ऑनलाइन ढूंढ दी है कहाँ से आप ऑनलाइन इनको देख के मोबाइल पे या लैपटॉप पे यू कैड रीड द स्टोरीज टू द किड्स। ठीक है, कोई प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट होगी भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल ई बुक में अवेलेबल नहीं है, देर जस्ट अवेलेबल ऑनलाइन टू रीड दैम। आई डोंट थिंक यू कैन प्रिंट दैम, मे बी कॉपी करके टेक्स्ट आप कर सकते हैं वर्ड में, एंड देन बी प्रिंट दैट, बट आई थिंक आई एम जस्ट कैन रीड इट फ्रॉम द मोबाइल, मेरा तो ये प्लान है। तो
इन दोनों बुक्स में स्टोरीज हैं बेसिकली. जो एनिमल बुक है उसमें एनिमल्स की शॉर्ट स्टोरीज हैं, एंड जो सीड की बुक है सीड्स के बारे में कि सीड्स कहाँ से आते हैं एंड ऑल. अगेन ये सॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया है लेकिन इन अ वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग वे उन्होंने बनाया हुआ है स्टोरीज़ के थ्रू, बच्चों की बहुत ही फनी स्टोरीज. मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है. फिर अभी शॉर्ट स्टोरी, जैसे पहली शॉर्ट स्टोरी है वीक वन में, फिर आपने एक शॉर्ट स्टोरी जो है उन्होंने जो भी मेंशन किया हुआ है बर्जेस एनिमल बुक जो है, तो उसमें से पहली शॉर्ट स्टोरी आपने पढ़नी है. अब अगर स्टोरी बच्चों को आपको लग रहा है कि थोड़ी सी लंबी है, बच्चा नहीं कर सकता, तो आप उसको दो तीन सिटिंग्स में भी करवा सकते हैं. तो फिर मंडे को स्टेप वन कर लेंगे, ये होगा कि आपने स्टोरी बच्चों को पढ़ के सुनानी है. अब इसका मकसद क्या है स्टोरी सुनाने का? जब स्टोरी सुन के बच्चा फाइनली बाहर जाएगा ना, तो उसकी आंखें और उसके कान दोनों खुले होंगे टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर. वो एक बड़े डिफरेंट जरिए से जो है ना देखेगा चीज़ों को, जिसके बारे में भी उसने पढ़ा है उससे रिलेटेड. इज़ गोइंग टू सी द वर्ल्ड बट डिफरेंटली. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वेयर यू गिव देम सम इंस्पिरेशन. Then the second one is to finally explore and discover. अब second step Wednesday को करने, आप Wednesday को फिर आप बाहर निकलें and then आप फिर आपने इसमें फिर activities होंगी, different games हैं, dramatic play prompts होंगे, और क्या है जी यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे. अगेन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के एक्सपेरिमेंट होंगे बच्चे के लेवल के हिसाब से, बड़ी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे. पर अगेन वही बात है कि अगर आप चाहें तो आप इसको लंबा भी खेल सकते हैं, पूरा पूरा दिन भी लग सकता है. इट रियली डिपेंड्स कि कितना आप और आपका बच्चा इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम आप कह लें 10 से 15 मिनट लगेंगे इस एक्सपेरिमेंट को करने में. ये स्टेप नंबर टू हो गया. एंड स्टेप नंबर थ्री इज़ फाइनली जो भी आपने डिस्कवर की, आपकी जो भी डिस्कवरी है उसको आपने रिकॉर्ड करना है इन द नोटबुक. इसमें भी मुश्किल से 5 से 15 मिनट लेंगे. आई एम गोना शो यू गाइस व्हाट्स इनसाइड. ओके, देन हियर इज द माय नेचर नोटबुक. नेचर रोड नोटबुक में जो थर्ड स्टेप होगा, जिसमें आप रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनली आपने डिस्कवरीज या व्हाटएवर डू, उस हिसाब से. सो दिस नेचर अगेन वीक वन में माई आउटडोर क्लासरूम. अभी आपको इसकी डिटेल नहीं पता, वीक वन की एक्टिविटी कुछ इस तरह से थी कि आपने बाहर कोई एक स्पॉट चूज़ करना है एंड देन वो फिर उस दिन से फिर आपका वो आउटडोर क्लासरूम होगा. फिर जो भी आप करेंगे उस जगह पे जाके, बेहतर है तो चूज़ अ प्लेस दैट इज़ लाइक नियर योर हाउस या कोई पार्क है वट एवर. अगेन इसकी डिटेल साथ साथ जब हम वीक वन करेंगे तो मैं आपको साथ साथ डिटेल्स बताऊँगी. अभी मैं इसको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि अंदर से किस तरह से है. देन वीक टू रैबिट एंड हेयर, आई डोंट नो क्या है इसकी डिटेल्स, किस तरह से फिल करना है. वीक टू की कोई पूरी एक्टिविटी है. Then week 3 ki there is another one. I have no idea what this is. ये खाली इनसे आपको आइडिया नहीं होगा, फिर आपको डिटेल बताऊंगी कि वीक 3 में आपने क्या करना था, क्या एक्टिविटी करनी थी. उसके बाद आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है चीज़ें. एनिमल फैमिलीज वेयर आई लिव, माई ट्री लॉग, अगेन आई हैव नो आइडिया व्हाट दीज आर, माई अंडरग्राउंड होम, स्क्विरल, इट्स लाइक द सीड्स आई फाउंड इन वेजिटेबल वेयर आई फाउंड सीड्स, माई ट्री लॉग अगेन. या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक माई नेचर नोटबुक. यस, सो दैट वॉज इट फॉर नेचर. आप देख सकते हैं कि इसमें मंडे आप चूज़ कर लें, वेंसडे चूज़ कर लें, एंड देन थर्सडे या फ्राइडे, यानी कि 3 स्टेप्स में नेचर इज़ डन. हर स्टेप को हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेगा. पेंटिंग वाले में टुक और ज़्यादा कम लगा, मे बी लाइक 5 मिनट्स के लिए सेशंस में, लेकिन दिस विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स नेचर को करने में. एंड आई हैव फीलिंग दैट किड्स वुड रियली इन्जॉय दिस, स्पेशली बाहर की जो एक्टिविटीज़ होंगी ना, वो तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जब से आइया को शुरू किया है होम स्कूलिंग करवाना, उसमें इस चीज़ पर हमेशा से बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि आउटडोर्स एवरी डे, रोज़ आपने बच्चे को बाहर लेके निकलना है. इस एज में बच्चे बाहर से बहुत कुछ सीखते हैं. अगर आप इस तरह से सिखाने के तो थोड़ी सी डायरेक्शन दे दें, फिर तो बस फिर नेक्स्ट लेवल है ना. अच्छा, ये इसके साथ जो है ना, लेट मी जस्ट शो यू गाइस, ये जो है लेसन प्लान्स इसके साथ आते हैं. अब जैसे नेचर का है तो नेचर में फिर ये कौन सी स्टोरी आपने पढ़नी है. बर्जेस एनिमल बुक में जो पहली स्टोरी थी, जेनी रेन गिव्स पीटर रैबिट एन आइडिया, दिस इज द स्टोरी. लिखा हुआ है कि वीक वन में आपने ये स्टोरी पढ़नी है, फिर नेचर स्टडी आपने करनी है, एक्सप्लोरिंग आउटडोर क्लासरूम, पहली नेचर की जो एक्टिविटी वो है कि आपने क्लासरूम ढूंढना है, बाहर आपने कोई एक स्पॉट ढूंढना है जिस जहाँ पर आप रोज जाया करेंगे, या जब भी आपकी नेचर एक्टिविटीज़ होंगी तो आप वहाँ पर जाके किया करेंगे. देन नोटबुक में माई आउटडोर क्लासरूम, ये उन्होंने एक ब्रीफ सा करके लिख दिया है, आपके लिए प्लान बना के सॉर्ट ऑफ दे दिए किस तरह से इसको करना है. एंड देन वो तो खैर मैथ का आ गया, ये मैथ से मैं स्किप करूँगी. देन ये दूसरा वाला है जो है ये पिक्चर स्टडी का है, कि पिक्चर स्टडी में वीक वन में आपने क्लॉड मोने की इम्प्रेशन सनराइज स्टडी करनी है.
then artistic expression mein sunset two ways cool and warm color comparison jo maine aapko sunset ka dikhaya tha ki do sunsets banane different colors mein unko compare karne to ye unhone bataya hai ki week 1 mein aapne ye karna hai ye bahut unhone brief se bataya hai iski details fir aap jaake jo unki detail puri files hain usme fir aap padhte ho kis tarah se karna hai then history and geography mein the history of me my name this is the week 1 activity ye sari main aapke sath sath karungi aapko bilkul pareshan hone ki zarurat nahi hai main aapko sath sath dikhaungi and then aap log use note karna sare ideas and then you also do it inshallah with your kit so yes that was it for today I really hope you guys got some inspiration from this and I'm really hoping you guys are going to follow this journey kyunki as I told you guys these subjects are very important and I hope ki aap logo ko iski importance ka ehsaas ho jaye I'm pretty sure ki jo already mujhe follow kar rahe hain they have already sort of this kind of a mindset ki bachcho ko is tarah se padhana sikhana chahiye okay then thank you so much for watching see you the next video fiyamallah